हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो आई एम इंदौर की ड्रीम रखते हैं, वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं। आप लोगों के बहुत सारे बर्निंग क्वेश्चंस है, बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं, उन सारे कॉमन डाउट्स का मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। और ये जो सारी मैं बातें बताने वाला हूँ, ये सारे आंसर देने वाला हूँ, ये मैं अपने मन से सुनी सुनी बातों से नहीं देने वाला। आई एम इंदौर के जो लास्ट ईयर के टॉपर थे रोहन चोपड़ा, लास्ट ईयर उनकी 38th रैंक थी आई एम इंदौर में। अपेरेंटली हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, वो लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट ही थे वो कोर्स के, उनकी मुंह से ये सारी बातें कंफर्म करी गई हैं। कौन सी बातें? कि भाई आई एम इंदौर में ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स विदाउट मैथ्स के कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, कितने स्टूडेंट ड्रॉपर्स होते हैं वहां पे, कितने स्टूडेंट्स वहां पे फ्रेशर्स होते हैं जिन्होंने 12th कंप्लीट करते ही कर लिया एडमिशन, और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमें जानने को मिलेंगी। लोन प्रोसेस कितना आसान होता है आई एम इंदौर में, कितने मंथ्स के लिए मैक्सिमम बच्चों ने कितने मंथ्स के लिए प्रिपेयर किया था आईपीमैट इंदौर क्रैक करने के लिए, और एंड में आते हुए मैं एक बहुत मसालेदार वाली बात बताने वाला हूं आईएम इंदौर के बारे में, जो आपको कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ एक आईएम इंदौर का स्टूडेंट बता पाएगा। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ ये हुआ क्या है। एक्चुअली देखो, हमने ना रिसेंटली अपने कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए नया फीचर लॉन्च किया, जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और टॉपर्स के साथ। ये एक्सक्लूसिवली हमारे लाइव पॉडकास्ट हो रहे हैं हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बट देखो, ऐसा नहीं है मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को कोई पीछे छोड़ के जा रहा हूं, मैं आप लोगों को धोखा दे रहा हूं। ये पॉडकास्ट जो है रोहन चोपड़ा के साथ हुआ था, 2 घंटे का इमेंसली इंटरेस्टिंग और बिल्कुल माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट था। उसकी जर्नी कॉलेज में, कैसे उसने एंट्रेंस क्रैक किया और कैसा कॉलेज आया है इंदौर, उसके बारे में सब कुछ। ये पॉडकास्ट इस संडे अपलोड होगा, 2 घंटे का पूरा पॉडकास्ट। बट उससे मैं सबसे माइंड ब्लोइंग बातें और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में कंक्लूड करके बता रहा हूं। तो आप ये वीडियो एंड तक देख लेना, बहुत ही मजेदार होने वाली है। और चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि वो पॉडकास्ट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यह स्टार्ट करते हुए सबसे माइंड ब्लोइंग चीज जो मुझे पता चली रोहन के द्वारा कॉलेज में आई एम इंदौर में, आप में से बहुत बच्चे डाउट करते हो मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स का स्टूडेंट हूं, या मैं कॉमर्स विद मैथ्स भी हूं तो मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, या मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं तो क्या मेरा आई एम इंदौर में एडमिशन होगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो रोहन ने हमें बताई है, कि आपकी जो ये बैच कॉम्पोजिशन होता है आई एम इंदौर में, आई एम इंदौर बहुत ज्यादा फोकस करता है कि हम हर तरीके के बच्चे को ला पाए। इस वजह से आई एम इंदौर में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ उसमें ह्यूमैनिटीज के भी बहुत सारे स्टूडेंट है, 150 का हमारा बैच साइज है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स के भी हैं और कॉमर्स विद मैथ्स के भी स्टूडेंट्स हैं। देखो, काफी सारा बैच पीसीएम के स्टूडेंट्स का था, लगभग 40% 30-40%, ऑफकोर्स ऑफिशियल नंबर्स नहीं है बट एस्टिमेटेड इतने परसेंट बच्चे होते हैं पीसीएम वाले, क्योंकि पीसीएम वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाती है क्वांट्स। बट अगर एक ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा बिना मैथमेटिक्स के आई एम इंदौर पहुंचा हुआ है तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। और मैं और मजे की बात बताऊं, आई एम इंदौर की लास्ट ईयर की सेकंड रैंक होल्डर जो थी, उनका इंटरव्यू भी है यूनिवॉइज के चैनल पे, आप जरूर जाके देखना। उन्होंने भी कॉमर्स विदाउट मैथ्स की वो स्टूडेंट थी, उन्होंने भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया विदाउट मैथ्स और भाई पूरी एग्जाम को फोड़ के आई थी वो। तो भाई कॉमर्स विदाउट मैथ्स और ह्यूमैनिटीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और दूसरा माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो मुझे पता चला रोहन के द्वारा, कि भाई आप लोगों का जो कि ईयर और ड्रॉपर्स, जो आप लोग कहते हैं फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स, आई एम इंदौर में एडमिशन जो हुआ है बच्चों का, बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं वहां पे। तो जितने बच्चे सोचते हैं भैया मैं एक साल ड्रॉप किया हुआ हूं तो कोई टेंशन नहीं है, आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा। आई एम इंदौर कोई भी बायस नहीं रखते हैं ड्रॉपर्स के अगेंस्ट, आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। मोस्टली वहां पे फ्रेशर्स होते हैं, मोस्टली बच्चे वहां पे वही थे जिन्होंने 12th क्लियर करते ही एंट्रेंस का एग्जाम क्रैक कर दिया था। बट अगर आप ड्रॉपर भी हो तो टेंशन नहीं लेनी है, और जो बच्चे 12th अभी क्लियर करने वाले हैं, कर रहे हैं, आप लोग भी टेंशन मत लो, आपका एडमिशन हो सकता है। मोस्टली बच्चे वहां फ्रेशर्स ही होते हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पता चली रोहन से, कि भाई मोस्टली जो बच्चे होते हैं आई एम इंदौर में जिन्होंने एंट्रेंस क्रैक किया है, वो बच्चे हैं, बाय द वे रोहन का इंस्टाग्राम लिंक, हैंडल का लिंक मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, तो जो मोस्टली बच्चों ने एडमिशन एंट्रेंस क्रैक किया उन्होंने 1-5 मंथ्स की प्रिपरेशन करी थी आईपीमैट इंदौर के लिए। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन
एक डेढ़ दो महीने भी पहले स्टार्ट कर रहे हो, आप डेफिनेटली एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। अगर 5-6 महीने से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आपके चांसेस और इंक्रीज होते हैं। पर एक चीज याद रखना, अगर आप 1-1.5-2 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तो आपको यह समझना है कि इस टाइम फ्रेम में आपको 8-10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए, नहीं तो इतने कम टाइम फ्रेम में क्रैक करना इम्पॉसिबल है। अगर आप करना चाहते हो तो उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हाँ 1-1.5 महीने में 2 महीने में हर किसी का हो जाएगा। तो इस चीज को आपको पूरा माइंड में लेके चलना है। ये चीज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी जानने में। उसके बाद लोन कैसे मिलता है आई एम इंदौर में, भाई लोन लेने के लिए आप लोगों की ओरिएंटेशन होती है आई एम इंदौर में। आप लोगों के जो 2020 से भी पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरे को पता चला है, कंफर्मेशन हुई है कि आप लोगों को लोन की 1 रुपए की भी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जब ओरिएंटेशन होगी, जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बैंक्स आपके पास हाथ जोड़ते हुए आएंगे लोन देने के लिए। आपके ओरिएंटेशन के टाइम वहां पे बैंक्स लिटरली कियोस्क लगा के बहुत सारे बैठे हुए होते हैं कि हमसे लोन ले लो, हमसे ले लो। आपके पास लिटरली कॉल्स आएंगे बैंक्स के कि भाई हमसे लोन ले लो, क्योंकि हर किसी को पता है आई एम इंदौर के बच्चे की सैलरी इतनी लगी, इजीली लोन वो क्लियर कर देंगे। तो आपको कोलेट्रल फ्री लोन आराम से मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के आई एम इंदौर में। अगर आपका एडमिशन हो गया तो बैंक खुद आके देंगे पूरी फीस आप लोगों की कवर करते हुए। तो लोन की हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। हमारा एक डाउट बहुत ज्यादा बच्चों का रहता है, हायर मैथ्स के कौन से टॉपिक आएंगे, हायर मैथ्स से हमें बहुत डर लगता है, या मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट मैंने पढ़ी नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हायर मैथ्स की सबसे पहली चीज, क्वांट्स में वेटेज बहुत ही ज्यादा कम रहती है, तो आपको बहुत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपको हायर मैथ्स नहीं आती है। और जितने भी हायर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आती ही नहीं है। आई एम इंदौर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते किसी भी प्रकार के। हायर मैथ्स से गिनती के टॉपिक देखने को मिलते हैं, जो मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के, आपको थोड़े बहुत सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शंस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉगरिथम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। और जितने भी नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये सबसे ईजी टॉपिक्स हैं आपके क्लास 12 की हायर मैथ्स के। तो आप जहां पे भी एनरोल्ड हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में, चाहे आप हमारे पास हो चाहे कहीं भी हो, आप बिल्कुल बेसिक से टॉपिक सीख सकते हो, इजीली सीख सकते हो, बहुत इजी और बहुत छोटे टॉपिक्स होते हैं ये। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है और आपके वैसे भी वेटेज इनकी बहुत कम रहती है। उसके बाद रोहन ने एक जो चीज बोली थी, या फिर अगेन कई आईएमएस के टॉपर्स ने हमें ये बात बोली है कि भाई आप लोगों को ये दिमाग में रखना है, मॉक सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम आईपी मैट इंदौर क्रैक करने के लिए। रोहन ने खुद लगभग उसके वर्ड्स जो निकले हैं, अगेन पॉडकास्ट संडे को हो जाएगा अपलोड, याद से सब्सक्राइब कर लेना, अभी देख लो लाल बटन दबा हुआ है नहीं दबा हुआ, सॉरी लाल बटन को व्हाइट कर दिया नहीं कर दिया। तो आप लोगों को यह दिमाग में रखना है कि रोहन ने खुद 30-40 मार्क्स दिए थे आई एम इंदौर को क्रैक करने के लिए। ये चीज मैं भी कॉन्स्टेंटली कहता रहता हूं, ये चीज मैं सब बच्चों को कॉन्स्टेंटली कहूंगा, जितने फुल लेंथ मार्क्स दे सकते हो, जितने दे सकते हो उतने मार्क्स देने हैं, कोई भी कंजूसी हमें मार्क्स देने में नहीं रखनी है। उसके बाद वीडियो एंड करते हुए सबसे मसालेदार मैं आप लोगों को आई एम इंदौर की बात बताता हूं, जो सिर्फ कॉलेज के अंदर के बच्चों को पता होगी कि भाई आपका आई एम इंदौर में लिटरली उन बच्चों को कोर्स से निकाल दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उन बच्चों को लिटरली एडमिशन होने के बाद भी कोर्स से निकाल दिया जाता है जो कि कॉलेज में परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर आप आई एम इंदौर में पहुंचते हो और वहां पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप वहां परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपको कॉलेज से लिटरली किक आउट कर दिया जाएगा और बच्चे करे जाते हैं। बट आपको इसमें कोई डरने की बात नहीं है, पॉडकास्ट में मैंने इसके ऊपर बहुत डीपली डिस्कशन किया किन तरीके के बच्चों को किया जाता है और कैसे बचा जाता है इस प्रोसेस से। तो हम मिलते हैं इस संडे को पॉडकास्ट कंप्लीट के साथ और वहां पे हम सारी चीजें जानेंगे। बट आई होप इन चीजों को जान के आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। वीडियो को याद से लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।